हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आशीष स्टडी में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा आपको लगातार यूपी पुलिस की जो 43,520 की जो आपकी भर्ती चल रही है उसमें पीएससी के मेडिकल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो लगातार आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, और देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम क्या है, हम विथ प्रूफ देते हैं, और फिर भी कई लोग को डाउट होता है कि ये सही नहीं है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसा कि आपको जो क्वेश्चन डाउट हुए थे, वीडियो बनाए थे, उसमें कई सारे लोगों के डाउट्स थे तो वो क्लियर किए थे। ठीक है, और हमने जितनी भी आपको न्यूज़ प्रोवाइड कराई बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कराई, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो मेडिकल से रिलेटेड है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अलीगढ़ में 7 तारीख को स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जो अलीगढ़ का है एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, तो एक लड़के का जो एडमिट कार्ड है वो हमारे पास आया, तो वही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया था कि 7 तारीख से स्टार्ट है, लेकिन उसका क्या है, 9 तारीख को है आपका एडमिट कार्ड, सॉरी आपका ये वेरिफिकेशन। तो इसलिए क्या है, वहाँ आपको एडमिट कार्ड दिखाएंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ वाकई में क्या है, मेडिकल स्टार्ट हो गए। बस शर्त यही है कि आपका क्या है, सब जो ज़िला है अलग अलग क्या है, अलग अलग डेट में होने, इसलिए किसी को पता नहीं है इसके बारे में कि जैसे कोई कानपुर का है, झांसी का है, तो यहाँ पे क्या है, कहीं भी है, लखीमपुर का कहीं का भी मान लीजिए आप, ठीक है, इलाहाबाद का है, आगरा का है, तो उनको क्या है, न्यूज़ नहीं मिल पा रही, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अभी तक न्यूज़ नहीं पहुँची है कि उनका ऐसा कुछ होना है। वो जब उनको न्यूज़ मिलेगी तब आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्ट नहीं हुए, हालांकि स्टार्ट हो गए हैं, बस ये क्या है कि आपको विश्वास करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, ताकि वो उसका रीज़न ये है कि कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सब ऑफलाइन हो रहा है। तो इस लड़के से बात हुई थी, वो कह रहा कि हमारा क्या है, कॉल करके बुलाया गया था, 4 तारीख को बताया गया था, तो हम क्या है 5 तारीख को लाए थे इसको। तो देखिए, आपके सामने ये नोटिस है, तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली पता चल जाएगा, उसमें डेट लिखा है, सब कुछ लिखा है, नंबर लिखा है, तो आप चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, हम लोग बात कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि यहाँ ये एडमिट कार्ड किसका है और क्या कहाँ का है। ठीक है, वो तो बता चुके हैं, जैसा कि आपको इसमें थंबनेल पे दिख रहा होगा, ये अलीगढ़ का है। ठीक है, अलीगढ़ में भी स्टार्ट हो गए हैं, देख लो सबूत के साथ। जी हाँ, हम क्या है, सबूत के साथ पूरा आपको बता देंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले हम बताएंगे कि ये यदि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अपने भी ज़िले की चाहिए, ठीक है, तो आप क्या है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा, जितनी भी आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, उससे क्या है, आप अपडेट रहोगे, ताकि कि अगर आपके ज़िले में भी स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो उसमें क्या है, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन फिर मिलता नहीं है, ऐसा सबको पता होगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो हाँ लास्ट में लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये क्या है और किसका है जो एडमिट कार्ड है आपको दिखाने वाले हैं। चलिए, देखिए, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये क्या लिखा है, आपका कार्यालय फ़ोन फैक्स सेनानायक 38वीं वाहिनी COG, ये इनका मोबाइल नंबर लिखा है, और देखिए यहाँ पे आपका ईमेल नंबर लिखा है, और क्या लिखा है, अलीगढ़ लिखा है। ठीक है, ये आपका देखिए बुलावा पत्र देखिए लिखा हुआ है इसमें, और देखिए अब बात कर लेते हैं, रोल नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नेम लिखा है, यशपाल सिंह जो आपके कैंडिडेट हैं उनका नाम है, ओमवीर सिंह क्या है आपका पिता का नाम है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, गोंडा, इनका जो पुलिस स्टेशन लगता है वो गोंडा लगता है। ठीक है, वहीं से ये क्या है आपका दिया गया है इनको, वहीं से आपको क्या है कॉल वगैरह आई थी। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या लिखा है, पूरा एड्रेस यशपाल, और हाँ ये उनका एड्रेस लिखा है पूरा, गोंडा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये इनका क्या है मोबाइल नंबर है, जिस जो यशपाल सिंह है इनका क्या है ये मोबाइल नंबर है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नीचे देखिए क्या लिखा है, कृपया अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा पुलिस आरक्षी PSC के पदों, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका PSC पदों पर सीधी भर्ती 2018 में चयनित, यहाँ पे भी लिखा है आपका 2018 में चयनित। ठीक है, हमें अभ्यर्थी का चयन उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि चयन
परिणाम अभ्यर्थी की चरित्र सत्यापन चिकित्सा एवं शैक्षिक योग्यता। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि चरित्र सत्यापन शैक्षिक चिकित्सा परीक्षा और शैक्षिक योग्यता के सत्यापन में अधीन है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस एवं प्रतिनिधि प्रदेशी आर्म कॉन्स्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अभ्यर्थी संबंध में उत्तर प्रदेश की सूचना अधिसूचना ये आपका दिनांक 2/12 एवं अधिसूचना ये सब वही लिखा है फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लेते हैं नियम नंबर आपका 16। तो देखिए चरित्र सत्यापन, अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई भी प्रतिकूल या तथा सामने आने पर उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई रिक्तियाँ खाली रह जाती तो उसमें क्या है न्यू वैकेंसी में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हो उपयुक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया गया कि आप चरित्र सत्यापन हेतु 9/5 को, देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि आपको क्या है 9/5 को 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ में प्रातः 7 बजे नोडल अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है। ठीक है, हाँ, अभ्यर्थी चरित्र सत्यापन हेतु अपने साथ निम्नलिखित क्या अभिलेख लाइए। तो देखिए अभिलेख क्या लाना है। देखिए कई लोगों की जो आपका कमेंट्स भी आए थे कि आप डॉक्यूमेंट्स का प्रारूप बता दीजिए, तो देखिए ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लाना है 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर तैयार कराकर नोटरी से स्थापित शपथ पर, जिसका प्रारूप उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर www.upipolis पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे जैसा भी आपका दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है स्टाम्प पेपर पे आपको शपथ पत्र बनवाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके DB में चेक हुए थे, ठीक है, जो आपके DB में चेक हुए थे वो सारे आपको ले जाने हैं। हाँ ठीक है, अब बात कर लेते हैं अभ्यर्थी अपने निवास प्रमाण पत्र, वही सब ले जाना है जो आपके DB में चेक हुए थे। हाँ, जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ग्राम मोहल्ले से समर्थार दो व्यक्ति द्वारा जो भलीभांति जानते हैं चरित्र सत्यापन उल्लेखित करके आपको एक क्या है करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब लिखवा के ले जाना है। सीधी सी बात, आप ये पेपर में लिखवा लीजिए। हाँ, अब बात कर लेते हैं शैक्षिक संस्थान में प्रमुख प्रदत्त चरित्र तथा आचरण का प्रमाण पत्र जहाँ से अभ्यर्थी अंतिम बार शिक्षा प्राप्त की हो, तो जहाँ से आपने 12th की हो तो वहाँ से आपको क्या है चरित्र प्रमाण पत्र एक बनवाना है। ठीक है, और कम से कम कितनी 10 पासपोर्ट साइज लेके जानी है आपको फ़ोटो। ठीक है, अगर आपके जो फॉर्म में लगी थी वो नहीं है तो दूसरी भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर वही ले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ़ोटो पहचान पत्र, जैसे वोटर कार्ड है, लाइसेंस है, कोई भी एक चल जाएगा आपका। ठीक है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। अब बात कर लेते हैं यदि आप निर्धारित बात तिथि व समय पर चरित्र सत्यापन यदि उपस्थित नहीं होते तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। देखिए इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर आप टाइम से नहीं पहुंचते तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ठीक है, हाँ, अब बात कर लेते हैं चरित्र सत्यापन हो तो आपकी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, जो आपका खर्च आएगा वो उनका देय नहीं होगा। दिनांक कितने 4 को आपका ये क्या है किया गया था आपका, और इन्होंने 4 को फ़ोन किया था, तो इस लड़के ने आपका क्या है आज की डेट में आपको क्या है लेकर आया, इसलिए वो हम तक पहुंच पाया है। इसलिए हमने सोचा कि आप तक इसका क्या है आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि कई लोगों को ये क्या लग रहा था झूठ लग रहा था। भाई मेडिकल स्टार्ट हो गए हैं, ये बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है, इतने सारे क्या है आपका जी एडमिट कार्ड वायरल नहीं हो गया, और कोई बंदा ऐसा नहीं बताएगा जो आपको लगे कि मतलब कि फेक है, वो खुद बता रहा था कि भाई स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट के क्या है थोड़े लेट होंगे, तो उसी के लिए हमने बताया था कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि ताकि उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि अलीगढ़ का अभी पता चल गया था 7 तारीख़ को, 7 तारीख मतलब अभी कल पता चल गया था तो हमने बता दिया था 7 तारीख़ को स्टार्ट होंगे, तो देखो कन्फर्म हो गया। ऐसे ही अगर किसी भी ज़िला की अगर हमें इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो इसलिए बोलते हैं कि सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका सारा कुछ लिखा हुआ है, थाना अध्यक्ष जो थाना लगता है उनका गोंडा लगता है उसी में आपका क्या है पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बस इसी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाना था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना सभी लोग, और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जिन्हें लग रहा था कि फेक है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और जिनको इनके बारे में नहीं पता है
उन तक भी ये पहुंच सके, ताकि जो आपने फाइलों हैं उनको क्या है जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करने में टाइम ना लगे, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और कोई भी अब डाउट्स या क्वेश्चन कुछ भी हो आपकी क्वायरी, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसका आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और क्या है, बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको इसी तरह की हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।